यहाँ लोगों की श्रद्धा, क्या भक्ति, क्या समर्पण। कड़वा नहीं लगे तो एक वाक्य भूल जाऊं मैं, क्योंकि अब समापन के तरफ है हम लोग। आज भी मुझे लगता है, आज भी मुझे लगता है कि वहां के लोगों के नजर में जो गुरुदेव भगवान है वो अभी भी हम लोगों की नजर में नहीं है। जो चिचुंडी के ग्रामस्थों की श्रद्धा है, आसपास के लोगों की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, यदि उसको कभी देखोगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि नहीं, अपन बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। अभी हम रे करके आए वहां पर, स्थानक के सामने से जो भी जाएगा वो मत्था टेक करके ही जाएगा। बिना मत्था टेके छोटा बच्चा के, बड़ा के, बूढ़ा के कोई वहां से गुजरता नहीं। मुझे बताओ, आप लोग यहाँ के स्थानक की बात तो नहीं करता, लेकिन आदिनाथ सोसाइटी का स्थानक है, सादड़ी सदन का स्थानक है, सामना सदन का स्थानक है, आपके गांव का भी स्थानक होगा, स्थानक के सामने से जाते समय आपका कभी मत्था झुका है क्या? लेकिन आज भी उस स्थानक में जाकर के कोई कुछ नहीं, केवल बाहर जिसको अंदर आने का समय होगा अंदर आकर के बैठेगा, नौकर मंत्र गिनेगा, माला गिनेगा। यदि उसके पास उतना समय नहीं तो वहीं पर से रास्ते पर चलते चलते वहां वोटे पर मत्था टेकेगा और निकल जाएगा। 24 घंटे वहां पर रापता है, कंटिन्यू रहता है। झगड़े निपटाने हो तो उनके पास एक ही जगह है, वहां जाकर के तू बोल ले तो जो बोलेगा वो सही है। अभी हम वहां थे, हमारे सामने किस्सा हुआ। पिछली बार वो सूखा गिरा था ना, तो सूखा में वो चारा उसके लिए जगह जगह पर वो छावनियां लगी थी। अब छावनियों में पशु कितने चरे, आदमी कितने चरे, वो तुमको ही पता है। तो ऐसे उस चारे के छावनी में जिन लोगों ने वो छावनी ली हुई थी उनका कुछ पैसे का मामला उलझा हुआ था। वो कहता कि तूने 3 लाख खाए, वो कहते नहीं खाए। वो झगड़ा चल रहा था उनका, रात को 12 बजे तक झगड़ा गांव में चलता रहा। सरपंच ने बताया करके रात भर टाइम लगे रखे, उनको सुलझे नहीं। हम सुबह हम सारे साधु साधु स्थानक में बैठे हुए थे और उसमें वो सारा पूरा जत्था एक साथ वहां पर आया। हमने देखा क्या मामला है, हम मुझे लगा कि वो शराब छोड़ने के लिए, वहां की शराब छोड़ने के तरीके वहां की टेक्निक बड़ी सिंपल है, बाकी कुछ नहीं करते वो लोग। जिससे शराब छुड़ा नहीं उसको वहां ले आते, वो मत्था टेकता है, बाबा को कहता है कि बाबा आज से शराब बंद, हो गया काम पूरा। और कोई समझाने की बात नहीं, कोई दूसरे दौरे की बात नहीं, गंदे की बात नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे वो सारा जत्था आया तो मुझे लगा उस आदमी को शराब छुड़ाने के लिए आए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो झगड़ा पैसे का था। और उस व्यक्ति ने आकर के वहां मत्था टेक करके कह दिया कि मैंने पैसे दिए थे, उसने कहा पैसे छूट गए। और वो बहन जो हमारे पास खड़ी थी वो बोली थी, बोले बाबा को यहां पर उसने झूठ बोला तो बोले उसको 24 घंटे में पर्चा आए बिना नहीं रहेगा, बोले बाकी कहीं झूठ बोल जाए, बोले यहां आकर के झूठ बोलेगा तो 24 घंटे में आदल घड़ेगी घड़ेगी। ऐसी कूट कूट करके आस्था उस गांव के बंदों में ऐसी भरी हुई है, ऐसी भरी हुई कि हम उसकी सोच भी नहीं सकते। अभी अखातीज के पार में हम लोग वहां कर करके आए। यदि आपके घर में शादी हो, आपकी शादी हो, तो उस दिन आप अखातीज का कार्यक्रम अटेंड करके के बारात ले जाने के सोच सकते हो क्या? यदि उसी दिन शाम को शादी हो तो। लेकिन वहां का वो जवान जिसकी शादी थी, उसने पूरी बारात का टाइम टेबल चेंज करने बोले आखातीज के पारने पहले बाबा का कार्यक्रम होगा और बाबा का कार्यक्रम पूरा होने के बाद यहां से वराड़ निकलेगा, उसके पहले वराड़ नहीं निकलेगा।
अब बोलिए वो कहाँ है और हम कहाँ है। और यहाँ इतने सारे बाजे बजाने के बाद भी, यहाँ इतने सारे बाजे बजाने के बाद भी मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी भीड़ 27 तारीख को चिचुंडी में रहेगी उतनी भीड़ यहाँ हो नहीं सकती है। अब पूना बड़ा कि चिचुंडी बड़ा ये मत पूछना है। पूना में घर जीने के ज्यादा है कि चिचुंडी में ज्यादा, ये तो तुम पूछने का सवाल ही नहीं। कम से कम 15,000 का मेला 27 तारीख को वहां लगेगा। उसकी शुरुआत 93 से हुई है और वहां कोई संत नहीं है, वहां कोई संत नहीं है। वही लोग बाबा के गीत गाएंगे, फेरी निकालेंगे, आनंद का प्रसाद लेंगे और चले जाएंगे। कौन वहां प्रेरणा देने वाला है? संवत्सरी के दिन पूरे गांव में चूल्हा बंद रहता है, किसी के घर में चूल्हा सुलगता नहीं है। वो चाहे मुस्लिम का घर हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी का हो, संवत्सरी के दिन पूरे गांव में उपवास रहता है। ठाकुर पूरा घर में उपवास हुए कि संवत्सरी के दिन? जो कॉन्वेंट के स्कूल में तुम्हारे बच्चे जाते होंगे, कॉन्वेंट के स्कूल को तो संवत्सरी की छुट्टी पक्की नहीं लेनी है। इसलिए ये सारा आस्था का महापुरुष, और वहां तो केवल उसको आनंद बाबा के रूम से पहचानते हैं, बाकी कुछ नहीं। वहां कोई धूप नहीं होता, वहां कोई दीप नहीं होता, लेकिन वहां की मिट्टी ही लोग अंधारे के रूप में आज भी लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। आप जाकर के कभी मौका मिले, कभी भी पहुंचे वहां पर, वहां तो कोई टाइम टेबल तो अपना है, उठे तो 24 घंटा वही है। और मुक्त थे थाने उठे मुपत्ति लगाऊ क्यों नहीं पड़े, वैन उठे मुपत्ति लगाऊ क्यों नहीं, क्यों नहीं पड़े। आराम से मुपत्ति लगा करके बेने अंदर आकर के बैठती है। ये किस कारण से हुआ? बोलने के कारण से। ये बोलने से हो सकता है? ये केवल उनका अपना जीवन और उनकी अपनी साधना, और साधना को महसूस करने के लिए जो श्रद्धा का दिल चाहिए वो वहां पर है। बस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कि अज्ञा सिद्वारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतोद मंगलम, चलारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पन्नतोधम लघुतमा, चत्तारी शरणम भवज्जामि, अरिहंते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहू शरणम भवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भवि प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय। बोल भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, जय शासन देव की।